न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बाराबंकी के टिकैत नगर में नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता को करोड़ रुपए की सौगात मिली, जिससे जनता में खुशी की लहर है। राज्य मंत्री सतीश चंद शर्मा और अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने 5,42,00,000 रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस दौरान जगदीश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मुझे तीसरी बार नगर अध्यक्ष चुना गया, मैं इसके लिए जनता का आभारी रहूंगा और सदैव जनता तक परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। इस मौके पर तमाम बीजेपी नेता और सभासद, नगर पंचायत की जनता मौजूद रही। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि भदौकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर के पास नियंत्रण से लौट रहे पिता पुत्र को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। टक्कर से पिता और बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद डंपर चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की जिन 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, उनमें रायबरेली को भी कई तोहफे मिले हैं। इनमें वन स्टेशन वन उत्पाद के तहत रायबरेली जंक्शन को आंवली और गुड़ से बने स्टॉल के साथ ही हरचंदपुर स्टेशन पर गुड़ साइडिंग और वंदे भारत का तोहफा हासिल हुआ है। प्रयागराज से चलकर लखनऊ तक जाने वाली वंदे भारत ट्रायल ट्रेन यहां पहुंची तो उसके स्वागत में आम लोग पहले से मौजूद रहे। रायबरेली में तैनात रेलवे के मंडलीय सहायक अभियंता एस के पांडे ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन अत्यंत सुविधाजनक होने के साथ ही अन्य सामान्य गाड़ियों की तरह ही उसका किराया है और टिकट भी सामान्य खिड़की से ही मिलेगा। हर उसका एक टारगेट है कि लगभग हर महीने में 100 वंदे भारत ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करना, और ये इसमें और हमारी सामान्य गाड़ियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किराए में, ना उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अंतर है। टिकट लेने में देने में सारी चीज़ें सारी व्यवस्थाएं वही हैं जो नॉर्मल ट्रेनों में होती थी। वंदे भारत बहुत ही सुविधाजनक, एकदम हवाई जहाज जैसी फीलिंग उसके अंदर आती है। बैठने में उसकी सुविधाएँ बहुत कम्फर्टेबल हैं, आरामदेह हैं। उसके कोचेज जो है बहुत मॉडर्नाइज। रायबरेली से होकर ये गुजरेगी, यहाँ की यात्रियों को कितना लाभान्वित होते हुए देखा? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रेलवे की 5 परियोजनाओं की सौगात भी काशीवासियों को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी देश के 70 शहर से वर्चुअली जुड़े और देश को 10 नए वंदे भारत ट्रेन समर्पित की, जिसमें 2 वंदे भारत ट्रेन वाराणसी होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेशन, एक उत्पाद, रेल कोच, रेस्टोरेंट और अत्याधुनिक गुड शेड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस कार्यक्रम में यहाँ 1,00,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेलवे के इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। आज़ादी के बाद से आज तक रेलवे में इतना काम नहीं हुआ जितना पिछले 10 वर्षों में हुआ है। हमारा रेल नेटवर्क कहा तो जाता था विश्व के सबसे बड़ा नेटवर्क, लेकिन ना तो ये विश्व का सबसे सुरक्षित नेटवर्क था, ना तो ये विश्व का सबसे सुगम नेटवर्क था। यात्रियों की समस्याएँ बहुत अधिक थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि ने, उनके विजन ने। बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके में रविवार की रात गोहावर जैत निवासी अफजल अहमद का शव दौलतपुर गोहावर मार्ग पर पड़ा मिला था। मृतक के भाई मोहम्मद इकबाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसके भाई का प्लॉट के बकाया पैसे को लेकर जनपद नाजीम से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर आरोपी ने उसके भाई को कई बार जान से मारने की धमकी भी दी थी। रात में मृतक अफजल को गाड़ी में आरोपी नजीम के साथ देखा गया था। पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 9-10 मार्च की रात्रि को नूरपुर थाना पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी तथा एक 4-व्हीलर गड्ढे में पड़ी हुई मिली थी। डेड बॉडी की शिनाख्त अफजाल के रूप में हुई थी, जो कि गोहावर जैत थाना नूरपुर क्षेत्र का रहने वाला था। घर वालों ने उसको एक्सीडेंट माना था तथा पोस्टमार्टम कराने से मना किया था। पुलिस ने उनको कन्विंस किया था तो पुलिस की बात मान के घर वालों ने पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दी थी। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था। पुलिस ने FIR दर्ज की तथा इसकी विवेचना प्रारंभ की। कल नूरपुर पुलिस ने इसका खुलासा किया तथा शहरों में मैदानों की कमी के कारण बच्चों और खिलाड़ियों को खेलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने समस्या का समाधान करने के लिए खास पहल की है। यहाँ शंकराचार्य चौक पर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स जोन बना दिया गया है, जिसमें बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस जैसे स्पोर्ट्स खेलकर न सिर्फ लुत्फ उठा रहे हैं बल्कि अच्छे खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं।
अमूमन फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण जमा रहता है, लेकिन एचआरडीए की इस योजना से स्पेस का सही इस्तेमाल भी हो रहा है और खिलाड़ियों को फायदा भी मिल रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह का कहना है कि हरिद्वार में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैदानों की कमी के चलते खिलाड़ी खुलकर खेल नहीं पाते। इसलिए शंकराचार्य चौक पर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे करीब 225 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स जोन तैयार किए गए हैं। हिमाचल के दो भाई अपनी मां को उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और तीर्थ यात्रा पर लेकर निकले हैं। चलने में असमर्थ मां को श्रवण कुमार की तरह कंधे पर लेकर निकले दो भाई धर्मनगरी हरिद्वार भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां राजेश्वरी को मनसा देवी मंदिर समेत कई तीर्थों के दर्शन कराए। हरिद्वार में दर्शन के बाद दोनों भाई चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुए। और तहसील बद्दी से आए हैं और हम अपनी माता को श्रवण यात्रा करवा रहे हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को करवाई थी, उसी प्रकार हम भी अपने माता पिता को अपने कंधों के ऊपर यात्रा करवा रहे हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देना है, उनको समझाना है कि वो हमारा सनातन धर्म ना छोड़ें, अपने सनातन धर्म में ही रहें। पौड़ी जिले के विकासखंड जैरी खाल के अंतर्गत रेतपुर देवडाली गुमखाल मोटरमार्ग के ऊपर बना रही दूसरी सड़क रेतपुर रणकोट कुड़गांव मोटरमार्ग का मलबा आने की वजह से पूरी तरह से बाधित है। सोमवार सुबह मोटरमार्ग बंद होने की वजह से बीमार 72 वर्षीय सुशीला देवी के परिजनों ने पैदल मार्ग से 3 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। मरीज के नाते संजना का कहना है कि मोटरमार्ग आए दिन मलबा आने की वजह से बंद हो जाता है। इसके बाद में उन्होंने कई बार विभाग को अवगत कराया, लेकिन उन्हें कह दिया गया कि एक परिवार के लिए कब तक मलबा साफ करें। वहीं पीडब्ल्यूडी लैंडस्टाउन सहायक अभियंता राहुल गुप्ता का कहना है कि ठेकेदार को मलबा साफ करने के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन अभी रोड को साफ नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने देशवासियों से सरकार बनाने की अपील के साथ ही 5 गारंटियां लॉन्च की हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद 5 गारंटी को कांग्रेस पूरा करेगी। इसके तहत कांग्रेस 30 लाख युवाओं को रोजगार देगी, पहली नौकरी की पक्की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी देने की पूरी तैयारी है। उप जिला अधिकारी महोदय देवरिया सदर के आदेश के अनुक्रम में आज ग्राम पंचायत पिपरा धलनी में रिक्त कोटे के दुकान के चयन के लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपना बहुमत से जो आवेदन आए थे, दो आवेदन झांसी के थाना डोड़ी फतेहपुर में रात के समय महिला को बंधक बनाकर मारपीट और लूट की घटना को अंजाम देकर अज्ञात लुटेरे फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि घर पर ही मेरी किराने की दुकान है। रात के 1 बजे के आसपास लुटेरे मेरे मकान से बिजली का लगा हुआ पोल के सहारे अंदर घुसे और मेरी मां को तमंचे और चाकू के दम पर बंधक बनाकर मारपीट धमकी दी। अगर घर में रखा सोना चांदी और रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे लड़के और बहू को जान से मार देंगे। उनका कहना है कि मेरी मां ने भयभीत होकर घर में रखा 1 लाख का सोने का हार और 1,80,000 रुपए दे दिए। शहर में चोरी की घटना को लेकर नगर के व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष अमित गुप्ता ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने लूट की खुलासा जल्द नहीं किए तो समूचे व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर देंगे। उन्नाव में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर उन्नाव के आलाधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। कल दोपहर 12 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय काली मिट्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहां जनसभा को संबोधित करके फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंद्रिका खेड़ा में अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके जनता को सौगात देंगे। साथ ही कई लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार, सांसद साक्षी महाराज समेत विधायक जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद के आला अधिकारी भी कार्यक्रम स्थल को लेकर निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम कर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सीए लागू होते ही हरदोई में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर से लेकर गांव तक रूट मार्च हो रहा है, जिसमें स्थानीय पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री भी लगाई गई है। एसपी केशव चंद गोस्वामी ने कहा कि ये एक्ट किसी के नुकसान के लिए नहीं है और किसी भी बहकावे में आए। एसपी ने कहा कि सुरक्षा को लेकर वो खुद दोनों एडिशनल एसपी सभी सीओ और थाना प्रभारी भ्रमणशील हैं। ये सबसे पहली बात तो जो CAA है ये किसी के नुकसान का एक्ट नहीं है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। जो भारत के बाहर ईसाई हैं या सिख हैं या सिंधी हैं, हिंदू हैं, जो परेशान हैं
और जो यहाँ आना चाहते हैं उसके लिए सरकार ने उनको नागरिकता देने का फैसला किया है। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर या किसी को भड़काने का काम न करें, इसके लिए हमारे वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दो दिवसीय दौरे के बाद लोगों में भाजपा का जुनून सा सवार हो गया है। इन दिनों वाराणसी में अयोध्या धाम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मार्केट में जय श्री राम के नाम का हेलमेट बिकना शुरू हो गया है। इसकी कीमत करीब 1300 रुपए से ज्यादा है। काफी डिमांड होने पर दुकानदार भी अब अपने यहाँ स्टॉक करने लगे हैं। वहीं जब डिस्ट्रीब्यूटर से बात की गई तो उनका कहना है कि जब से ये हेलमेट लॉन्च किया गया है तो पहले ही दिन से सैकड़ों पीस बिक गए हैं, जिसमें खरीदने वाले मुस्लिम बंधु भी शामिल हैं। सीएम और ओवैसी और ममता के बयान पर साक्षी महाराज की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ममता जी क्या कहती है, ओवैसी क्या कहते हैं, दूसरे नेता क्या कहते हैं, इसके बारे में हम नहीं सोचते। मोदी जी का कहना है कि हम लोग अपने लिए राजनीति नहीं करते, परिवार के लिए राजनीति नहीं करते, एक जाति के लिए कोई राजनीति नहीं करते, राष्ट्र के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्र की जनता के लिए राजनीति करते हैं। ये जो सीए लागू हुआ है अखंड राष्ट्र के लिए, अखंड भारत के लिए है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि वैसे केजरीवाल जी के लिए कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ कहते हैं तो उनके बयानों से गिरगिट भी शर्मा जाएगी। ममता जी क्या कहती हैं, ओवैसी जी क्या कहते हैं और दूसरा नेता कोई क्या कहता है। माननीय मोदी जी का कहना यह है कि हम लोग अपने लिए राजनीति नहीं करते, परिवार के लिए राजनीति नहीं करते, एक जात के लिए राजनीति नहीं करते, हम केवल राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं और राष्ट्र की जनता के लिए राजनीति करते हैं। तो ये जो लागू अधिसूचना जारी हुई है, मैं समझता हूँ इस अखंड राष्ट्र के लिए, अखंड भारत के, भारत की अखंडता के लिए एक बहुत अक्षुण प्रयास माने। कानपुर में बीजेपी के युवा मोर्चा ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बने मंदिरों में अवैध कब्जे और मंदिरों की दुर्दशा का मुद्दा उठाकर कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिलेश कुमार को एक ज्ञापन सौंपकर हफ्ते में कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं शिवांग मिश्रा ने बताया कि कानपुर एक दैविक शहर है, उनको शिकायतें लगातार मिल रही थी कि कहीं ऐसे मंदिर है जो हिंदू क्षेत्र में नहीं है, उनकी देखरेख नहीं हो पा रही है और कब्जे भी हो रहे हैं, जिसके संबंध में पुलिस कमिश्नर से हफ्ते भर में कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं अगर कार्रवाई नहीं होती तो बीजेपी के पदाधिकारी और सदस्य एक स्वच्छता अभियान चलाकर खुद सभी मंदिरों को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता कानपुर युवा मोर्चा कानपुर उत्तर आज ये मांग करने आया था कमिश्नर से, हम लोग एक निवेदन भी करने आए थे कि जिस तरीके से जहाँ पे हिंदू आबादी कम है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और पिछले अभी पत्रकारों के माध्यम से और कई न्यूज चैनलों के माध्यम से हम लोग को देखने में भी आया है कि वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लगातार मंदिरों पर कब्जा हो रहा है, मंदिरों की साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। कानपुर एक ऐसा विश्व का पुराना शहर है जहाँ पर कई ऐसे मंदिर, कई ऐसी चीजें अपनी प्रकृति अपने गोद में दबाए हुए हैं। उन लोगों को फरुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने नवाबगंज थाना प्रभारी की कार्यशैली का विरोध करते हुए थाना प्रभारी पर सुभाषपा के कार्यकर्ताओं से अभद्रता करने का आरोप लगाया, जिसमें जिलाध्यक्ष ने कहा कि सुभाषपा कार्यकर्ता का गमछा और मोबाइल छीना गया है। इस मामले में कार्यकर्ताओं ने दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। थाने में आने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है कि हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप, इनको जो है पुलिस के द्वारा बुला करके अभद्रता की गई। पार्टी का एक अंगोछा है जो हमारा पार्टी का सम्मान मान सम्मान है, इसको जो है इन्होंने छीना गया उनके हाथ से और गले से उतारा गया, जो मोबाइल छीना गया। दूसरी चीज़ ये कि अभद्रता की गाली गलौज किया गया। कानपुर में एक युवक फर्जी हेड कांस्टेबल और फर्जी टीआईसी बनकर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिनका एक पूरा गैंग भी है, जहां ट्रैफिक के पालन न करने वाले लोगों से अभी तक 50,000 से ज्यादा रुपए की वसूली कर चुके हैं। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब पैसे कैश नहीं बकायदा क्यूआर कोड से पेमेंट ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। इस मामले में पीड़ित अधिवक्ता अंकित यादव ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर बताया कि वो अपनी कार से दही लेने जा रहे थे, सीट बेल्ट न लगा होने की वजह से एक हेड कांस्टेबल ने उन्हें रोक लिया और पैसे की मांग की। इतने में ट्रैफिक की गाड़ी से एक युवक आया जो अपने को टीआईसी बता रहा था, उसने ऑनलाइन पेमेंट की बात कही तब पीड़ित अधिवक्ता ने ऑनलाइन 500 रुपये पेमेंट कर दिया। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। जो आपके साथ घटना हुई है, कौन लोग हैं, क्या लगता है, मतलब ऐसा क्या है, आप बताइए। मेरे साथ, मैं अपने घर से गाड़ी लेकर के अपने गया था बाईपास के उस पार दही लेने के लिए, और एक फर्जी होमगार्ड शिवम शुक्ला वो मेरी गाड़ी के आगे आके खड़ा हो गया, कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का चलान करेंगे, आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं। मैंने उससे विनती और प्रार्थना की, भैया ऐसा है मैं भी अधिवक्ता हूँ, और तो उसने उसी थोड़ी देर में एक टीएसआई की गाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के अमेठी और निहालगढ़
रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का वर्चुअल उद्घाटन किया। अब एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत लगे स्टॉल्स पर लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रणी ने फीता काटकर स्टॉल का शुभारंभ किया। रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को भी सुना। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह परिहर के नेतृत्व में जनपद झांसी के तहसील मौरानीपुर प्रांगण में सैकड़ों किसानों के साथ सर्वे मुआवजा बीमा क्लेम के लिए विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी गोपेश्वर तिवारी के माध्यम से जिलाधिकारी झांसी को ज्ञापन भेजा गया। सैकड़ों किसानों ने कहा है कि बीते दिनों बेमौसम बारिश ओलावृष्टि की वजह से खेतों में बोई रबी की फसलें नष्ट हो गई, जिसका ना तो अभी हमारे पास कोई बात निकलकर सामने आई है, ना ही सर्वे हुआ है, ना ही हम लोगों को मुआवजा मिला है। उन्होंने खेतों का सर्वे कराए जाने, उसके आधार पर मुआवजा देने और साथ में बीमा क्लेम दिए जाने की मांग की है। किसानों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस दौरान उप जिलाधिकारी गोपेश्वर तिवारी ने कहा है कि खेतों का सर्वे किया जाएगा, शासन की ओर से मदद दी जाएगी, जरूर दी जाएगी और साथ ही साथ जो भी जायज मांगे हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। फरुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा के काशीराम कॉलोनी में एक युवक ने पारिवारिक विवाद की वजह से खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की मां ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को शराब पीने से मना किया था, जिससे गुस्साए बेटे ने कमरे में खुदकुशी कर ली। हमारो कुछ नहीं, जो दारू पिए तो हमने इससे जा पर कल का जय हमने के देख तो ना भजी बिजी भर आए तुम हमने भैया से जाइए कि लो सो जो भाग गया हम सब कोई बात हो नहीं कहीं जाने बस चलो। तो आप लोग कहाँ गए थे? बब लोग ठेके कंजड़ किए बस सोने का। कौन तुम अल्लाह लगता है? मेरा आलम है। अच्छा हाँ। तो फिर आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे ने फांसी लगा ली? किसी ने फोन करो। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।